ये तस्वीरें आप जम्मू तवी से इस वक्त साफ तौर पर देख सकते हैं, और इतना ही नहीं, इस वक्त हम भी जम्मू तवी पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जितने भी, अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर यहाँ पर हमारे जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ना रुके, और जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं जम्मू तवी का सूरत हाल है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ हमारे जवान जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी लोग जो है वो ना रुके, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो जम्मू तवी का जलस्तर जो बड़ा है इसको देखने के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, और काफी संख्या यहाँ पर नजर आ रही है लोगों की। लोग यहाँ पर रुक रुक कर तवी की तस्वीरें जो है वो ले रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कोई ना रुके, क्योंकि 2014 में जिस तरह से यहाँ पर पानी काफी ज्यादा होने के चलते जम्मू तवी का ये जो फोर्थ ब्रिज है ये खतरे में था, यानी कि जिस तरह से ये टूट गया था, उसके बाद आशंका जताई जा सकती है कि दोबारा यहाँ पर ऐसा ना हो, जिसके चलते इस पुल पर किसी को भी रोकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और थोड़ा जूम करके मैं दिखाना चाहूंगी तो यहाँ पर हमारे ट्रैफिक कर्मी जो है वो भी मौजूद है, वो किसी से पीछे जो है वो कैसे रह सकते हैं, तो हमारे ट्रैफिक कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो भी यहाँ पर रुक रहा है हर किसी की स्कूटी की तस्वीर लेकर वो चालान जरूर काट रहे हैं, और वहीं पर उनके चलान यहाँ पर काटे जा रहे हैं जो जो लोग भी यहाँ पर रुक रहा है। और ये जम्मू तवी का जलस्तर का भार आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा भाव है यहाँ पर, कितना ज्यादा पानी जो है वो चढ़ चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से फोटो जो है, जो यहाँ पर व्यक्ति रुका है उसकी तस्वीर जो है उसके स्कूटी के नंबर की फोटो खींची जा रही है, ताकि ये जो भी यहाँ पर रुक रहा है उसे, क्योंकि यहाँ पर रुकने की इजाजत नहीं है, रुकने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें जो है ले रहे हैं, से गुजरते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रुकेंगे तो ये खतरा जो है आपके लिए भी बन सकता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारे जवान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी के चलते लगातार जो जलस्तर बढ़ा है और जो स्तर यहाँ पर बड़ा है, इसको लेकर सब लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसा जो है वो बिल्कुल ना करें, और इसके चलते लगातार जलस्तर बढ़ा है और पानी का भाव बढ़ने के चलते कहीं ना कहीं इस पुल पर भी खतरा जो है वो मंडरा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी दो बार ऐसा हादसा जो है जम्मू के जो तवी ब्रिज है, यानी कि हम फोर्थ ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो बार ऐसा खतरा देखने को मिला है। तो जो भी यहाँ पर रुकता है उसे तो पहले यहाँ से भगाने की कोशिश पूरी की जा रही है, उसे यहाँ पर रुकने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा रही है। जलस्तर काफी ज्यादा है, ये देखिए किस तरह से पानी का भाव बढ़ चुका है, जलस्तर काफी ज्यादा है, और इसी के चलते ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर अपना काम इस तरीके से कर रही है। अगर लोग यहाँ पर रुक कर तस्वीरें ले रहे हैं तो हर किसी के स्कूटर की तस्वीर, उनके नंबर, स्कूटर नंबर की तस्वीर जरूर ली जा रही है, जिस तरह से ऑनलाइन चलान वो कर सके। और लेकिन लोगों को भी यहाँ पर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो यहाँ पर ना रुके, क्योंकि खतरा है उनके लिए भी।